हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं खेत देखने। हाँ, खेत। वैसे तो हम में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं, सबके हैं भी, बट हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के खेत देखने, जो कि हमारे घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर के आसपास हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रही है मम्मी, अभी दरवाज़ा बंद कर रही है, और उसके बाद फिर हमारे साथ जा रही रीत। तो रीत भी अभी रेडी हो रही है, हम जल्दी से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं रामपुरी। और फटाफट निकल रही है, बहुत टाइम लगा देती है तैयार होने में, कभी कभी नहीं लगाती, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो बाहर चलते फटाक से। तो जुतियाँ खानी है? नहीं खानी। तो देखो नीचे जो बेसमेंट है वो हमारा रेडी हो गया है, बढ़िया सा बेसमेंट रेडी हो गया है, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ बन रही हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर बताऊँगा कि ये क्या बन रहा है। तो आज हम पापा की गाड़ी लेके जाने वाले हैं, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है तो इसको लेके नहीं जाएंगे, पापा की गाड़ी वो खड़ी है क्योंकि वो बाहर है, तो हम उसी को लेके जाएंगे। तो गाइस ये देखो, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग कलर के हैं, ये अपनी माँ के साथ घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। अब यहाँ अगर देखो आप, तो ये टोकरी के अंदर एक मुर्गी है और ये इसके बच्चे बार बार देखो आसपास घूम रहे हैं, उसके आवाज़ आ रही है बट वो पहचान नहीं पा रहे हैं। ये इसके साथ पुराना चूल्हा, बहुत से लोगों को पता ही होगा, पहले खाना बना करता था इस पे। और अब चल रहे हैं हम खेत की तरफ। तो ये एक बाड़ी सी बनी हुई है किसी के घर की, वहाँ पे भी लोग, यहाँ पे ना गाय मुर्गी बहुत ज़्यादा पाल के रखते हैं, बकरियाँ। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हमारी खेतों की तरफ, एंड यहाँ से एकदम राइट, स्ट्रेट एंड राइट, और फिर हम पहुंच जाएंगे। छोटा सा कमरा जो मेरी नानी ने बनाया था बहुत पहले, ये पूरा कमरा उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, जहाँ की ये पंप रखा हुआ है, बहुत पुराना पंप है। यहाँ पे छोटा सा एक खटिया आ जाता था, एक चेयर आ जाती थी और गैस भी आ जाती थी, तो यहाँ पे कभी कभी हम लोग आते थे तो वो रहते थे। और इसके साथ यहाँ पे एक कुआँ है जो कि अभी थोड़ा सा रेनोवेट हुआ है, पानी निकाल रही कुएं से, और पानी इस कुएं का बहुत ही साफ है और मीठा है। नीचे इसमें बोरिंग है, बड़ी काफी पुराना कुआं है। गाइस अभी मम्मी और रीत यहाँ पे नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, जो कि हर साल हम लोग किया करते हैं। Thank you.
नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सब? सभी बढ़िया होंगे। वैसे आज अगर मैं तारीख बताऊं तो कितनी तारीख है? 24 है और हमारी पैकिंग चालू हो चुकी है क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए बहुत ही स्पेशल स्टेट में। और ये कब जाएंगे बहुत ही जल्दी आपको पता लग जाएगा। और रितिका कुछ पैक कर रही है तो मैं इससे पूछ रहा था कि भाई तुम क्या पैक कर रही हो, क्यों कर रही हो? मैं पैकिंग कर रही हूँ मेरी बेबी की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है इसके, और मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या क्या पैक कर रही। इट्स अ टॉप सीक्रेट। ओके जी, तो टॉप सीक्रेट है, ये बताना नहीं चाह रही है कि क्या पैक कर रही है। आपको भी नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, ये मुझे भी नहीं बता रही है। और इस बार ऐसा होने वाला है कि 6 दिसंबर को जो मेरी सिस्टर है कल्पना, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, और 7 दिसंबर को मेरी और रीत की मैरिज एनिवर्सरी है। तो एक एक दिन से जो है सेलिब्रेशन है, लेकिन दोनों ही हम लोग बाहर होंगे। वो भी अपना आउटिंग पे जा रहे हैं, हम लोग भी अपना आउटिंग प्लान कर रहे हैं, तो मिलना जुलना हो नहीं पाएगा। इसलिए अभी से हमने कहा जो गिफ्ट्स हैं क्यों ना एक्सचेंज कर ली जाए, तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो स्टे ट्यून्ड, पता लगेगा आपको, सरप्राइज बहुत ही बढ़िया। और आने वाले जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ही बढ़िया होने वाले, बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाने वाले हैं जो आप घूमेंगे, हम आपको भी घुमाएंगे, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। यस, तो आप में से बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं गए होंगे, तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाले हैं। तो एक एक चीज हम लोग आपसे शेयर करेंगे, बने रहिएगा। बाय।